गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटे, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो मैं आज आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिम झिम से कक्षा 3 के लिए पाठ 11 करवा रही हूँ, जिसका नाम है मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन और बाघ, इसमें आपने देखा होगा कि एक तो मीरा बहन है और एक बाघ है, दो ही पात्र नजर आ रहे हैं, तो हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देती हूँ कहानी शुरू होने से पहले। ये मीरा बहन जो है, इनका जन्म हुआ है इंग्लैंड में, ठीक है। जन्म तो भले ही इंग्लैंड में हुआ है, लेकिन गांधी जी के संपर्क में आकर इन्होंने वहां के इंग्लैंड वाले देश को छोड़ के अपने भारत में ये शिफ्ट हो गई, यानी भारत में रहने के लिए वो आ गई। आपने पहले भी काफी बार पढ़ा होगा कि गांधी जी के संपर्क में जितने भी लोग आए हैं, उन्होंने यहाँ तक कि उस समय में अपनी सरकारी नौकरी भी त्याग दी थी, और वो भारत को आजाद करवाने के जो आंदोलन थे उनमें वो गांधी जी के साथ लग गए थे। तो में से एक थी मीरा बहन, जो गांधी जी के संपर्क में आके अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाने लग गई थी। और इसी कहानी में दूसरा है बाघ, जिसके प्रकोप से सारे गांव वाले परेशान थे। तो दो पात्र हैं, दो पात्रों पे ये कहानी चलेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है कैसे, जो मीरा बहन है वो इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ है, और आजादी के 5 साल बाद उत्तर प्रदेश में गेवली गांव में गोपाल आश्रम बना के रहने लग गई हैं। तो वहां पर उस आश्रम की स्थापना की है उन्होंने, उसके बाद वहां पर वो रहने लग गई हैं। तो गांव वाले हैं, जो गांव वाले इनसे काफी करीबी हो गए थे, इनका जो रिलेशन था गांव वालों के साथ वो काफी अच्छा था, ये मित्रता पूर्वक उन सब के साथ बड़े ही प्यार और प्रेम से रहती थी। भले ही गांव से थोड़ा सा दूर इनका आश्रम था, पर गांव वाले वहां आते जाते रहते थे, और मीरा बहन भी वहां पर काफी अच्छे से उनके साथ व्यवहार करती थी। तो एक समय की बात है कि एक जो बाघ है वो जंगलों में काफी खाने पीने की चीजों की कमी के कारण अपने खाने पीने की चीजों को ढूंढने गांव में निकल आता है, और पहली बार जब बाघ गांव में घुस आता है तो वहां पर उसने क्या नुकसान किया, एक गाय को मार डाला। जैसे ही लोगों को पता चला कि बीती रात यानी पिछले वाली रात को बाघ ने एक गाय को मार डाला है, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया और प्रकोप का माहौल नजर आने लग गया। तो धीरे धीरे गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या किया कि एक पिंजरा वो लेके आए, और उन्होंने ये एक तरीका ढूंढा बाघ से बचने के लिए कि वो पिंजरे में एक बकरी को कैद करेंगे। एक पिंजरा रखा और उस पिंजरे में उन्होंने बकरी छोड़ दी। अब आपने देखा होगा ना, कई बार चूहे दानी हम घर में लगाते हैं चूहों को पकड़ने के लिए, तो हम खाली चूहे दानी तो नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर खाली चूहे दानी लगाएंगे तो चूहा उसके अंदर आएगा ही नहीं, और जब आएगा ही नहीं तो वो बंद कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, चूहे दानी में एक रोटी का, ये एक ब्रेड का टुकड़ा लगा देते हैं, एक बिस्किट लगा देते हैं, जाके जिसकी खुशबू से जिसकी महक से वो चूहा उसके अंदर आएगा और पिंजरा ऑटोमेटिकली हिलने के कारण बंद हो जाएगा। तो यही वाला तरीका उन्होंने क्या किया, किसके साथ, बाघ के साथ किया, कि बाघ के लिए एक पिंजरा रख दिया। वो पिंजरा ऐसी जगह पर रखा गया जहाँ पर अक्सर बाघ आता रहता था, और पिंजरे में क्या छोड़ दी, एक बकरी छोड़ दी, ताकि पिंजरे में से बकरी को खाने के लिए, बड़ा सा पिंजरा है शेर के लिए छोटा सा तो लगाएंगे नहीं, बड़ा सा पिंजरा है, उस पिंजरे में एक बकरी को बांध दिया गया। तो बकरी को इसलिए बांधा गया ताकि पिंजरे में बकरी को खाने के लिए शेर आए, और उसका जो लॉक था यानी उसका जो ताला था वो इस तरीके सेट किया गया कि हिलते ही थोड़ा सा दरवाजा वो बंद हो जाएगा। तो वो कहाँ पर रखा गया, मीरा बहन के गोपाल आश्रम के पास। तो मीरा बहन के गोपाल आश्रम के पास वो रख दिया गया। पूरी रात बीती, रात को बीतने के बाद में सारे गांव वाले आए और सुबह देखा तो पिंजरा बंद था। लेकिन वो क्या देखते हैं, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि जो पिंजरा है उसमें बाघ तो है ही नहीं। अब बाघ में जब पिंजरा ही नहीं है, बकरी अकेली है, तो पिंजरा बंद कैसे हुआ, क्योंकि बकरी तो करेगी नहीं, वो तो बंद ही हुई है, और बाहर से बाघ आया नहीं, क्योंकि बाघ आया होता बकरी को खाने तो बकरी के साथ बाघ भी होता।
तो वो आश्चर्य में पड़ गए कि ये हुआ तो हुआ कैसे, हम तो पिंजरा सही से सेट करके गए थे। तो उन्होंने सोचा कि जो हमारा ये पिंजरा रखा है उससे थोड़ी सी दूरी पे ही गोपाल आश्रम है, जिसमें हमारी मीरा बहन रहती हैं, और मीरा बहन से हम पूछ सकते हैं कि कल रात को एक्चुअली में हुआ क्या है। तो वो जैसे ही मीरा बहन के आश्रम में जाते हैं और मीरा बहन से सारी कहानी सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, मीरा बहन हमें ये पिंजरा बंद मिला है, पता नहीं कौन क्या करके गया है। तो मीरा बहन जैसे कि दिल की बड़ी ही साफ थी, तो मीरा बहन ने बड़े ही प्यार के तरीके से कहा कि भाई मैंने सोचा कि एक प्राणी है, बाघ है, एक प्राणी है, उसको ऐसे पिंजरे में डालना ठीक नहीं है, और चलो उसे पिंजरे में डाल भी देते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके अंदर एक बकरी आपने बांध रखी है, बकरी तो निर्दोष है, मतलब बाघ को पकड़ने के लिए एक बकरी को मरवा देना वो भी तो गलत है ना, यानी कि ये तो कोई इंसानियत नहीं है। इसलिए मेरे मन ने कहा कि ऐसे बाघ को पकड़ना ठीक नहीं है, बाघ को पकड़ने के तो और भी बहुत से तरीके हैं, जो बाघ पकड़ने वाले हैं उन्हें फोन करो, बुलाओ और उनको बोल दो, वो अपने आप पकड़ ले जाएंगे। तो यानी कि मीरा बहन के दिल में इंसानियत जागी, किसके लिए, उस पिंजरे में बंधी हुई बकरी के लिए, और उस बकरी की जान बचाने के लिए मीरा बहन ने क्या किया, पिंजरे को स्वयं ही बंद कर दिया, ताकि जब शेर आए यानी बाघ आए तो बकरी वहां सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके, और बाघ उसका कुछ ना बिगाड़ पाए, क्योंकि पिछली रात को वो एक गाय को मार चुका था, खा चुका था। तो आपने देखा इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, अगर सीधी सीधी जिंदगी पानी की तरह बहे तो वो क्या जिंदगी है, जिंदगी में दुख सुख नहीं आएंगे तो वो जिंदगी जिंदगी जैसी थोड़ी ना लगेगी। तो जिंदगी में दुख सुख तो भले ही आते रहे, लेकिन उस दुख सुख से निमटने के लिए उपाय हमारे पास होने चाहिए, लेकिन वो उपाय इंसानियत से भरे होने चाहिए, उसमें किसी निर्दोष प्राणी की हत्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, दुख आ जाए, कष्ट मुसीबत बाधाएं आ जाए, लेकिन हमें कभी भी इंसानियत को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है बेटा ये पाठ आपको काफ़ी अच्छे से आ गया होगा। हमेशा की तरह हम यहीं से इसके शब्दार्थ करेंगे। तो मीरा बहन पहला पात्र, बाघ शेर होता है, इंग्लैंड एक देश का नाम है, उत्तर प्रदेश एक राज्य का नाम है, गेवली एक गांव का नाम है, ठीक है, आजादी यानी स्वतंत्रता, स्थापना यानी स्थापित किया हुआ, बाघ मैंने आपको बताया, पिंजरा किसी भी पशु या पक्षी को रोकने के लिए बनाई गई लोहे की जालियों का एक घर, उसके बाद है मनुष्य यानी मानव, शिक्षा यानी सीख, परिस्थिति हर प्रकार की स्थिति, हर प्रकार की स्थिति यानी हर प्रकार की दशा, हर प्रकार का हाल, इंसानियत मनुष्य के दिल में उठने वाला एक भाव, एक अच्छा भाव, बुरा भाव भी होता है लेकिन यह है एक अच्छा भाव। तो यहां हो गए आपके शब्दार्थ, अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। सबसे पहले मीरा बहन कौन थी, ठीक है, तो उत्तर है मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन गांधी जी के संपर्क में आके वो इंग्लैंड को छोड़ के भारत में आ गई थी, और उन्होंने आजादी के 5 साल बाद उत्तर प्रदेश में गेवली गांव के यहाँ, गेवली गांव में गोपाल आश्रम की स्थापना की थी, उनका दिल प्यार से भरा हुआ था। दूसरा प्रश्न, जो मीरा बहन है उनका गोपाल आश्रम कहाँ था, तो उत्तर है मीरा बहन का गोपाल आश्रम उत्तर प्रदेश के गेवली गांव में था। तीसरा प्रश्न, कहानी में किस के प्रकोप के बारे में बताया गया है, तो कहानी में बाघ के प्रकोप के बारे में बताया गया है। चौथा प्रश्न, कहानी में बाघ जब पहली बार गांव में आया तो उसने क्या नुकसान किया, तो कहानी में बाघ जब पहली बार गांव में आया तो उसने एक गाय को मार डाला। पांचवा प्रश्न, जब वो बाघ को रोकने के लिए पिंजरे में किस प्राणी को बांध दिया गया, बाघ को रोकने के लिए पिंजरे में बकरी को बांध दिया गया। छठा प्रश्न, मीरा बहन ने अंत में क्या किया,
मीरा बहन ने अंत में पिंजरे को स्वयं ही बंद कर दिया ताकि उसमें बंधी हुई बकरी सुरक्षित रह सके। सातवां और अंतिम प्रश्न, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। तो बेटे आज की कक्षा में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा ही बहुत शिक्षा देने वाला पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसका लिखित अभ्यास करेंगे और इसको अकेले में इसका वाचन उच्चारण करके इसके अभ्यास को स्वयं जरूर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।